गुड मॉर्निंग एज प्रॉमिस्ड, मैं ये वीकली अपडेट जस्ट पब्लिश करने से एक घंटा पहले रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये कीकी है, ये रवीना है, रवीना का आज डे ऑफ है एंड रेदर देन स्पेंडिंग टाइम इन ऑफिस ये कीकी के साथ टाइम स्पेंड कर रही है और इसीलिए कीकी शांत भी है। कीकी का एक्चुअली पैर जो है वो फ्रैक्चर्ड है और इसकी सर्जरी हुई है। आई डोंट थिंक कि सर्जरी ठीक से हुई है, मेरे ख्याल से इसकी नर्व डैमेज है, तो देखते हैं, हो सकता है इसका पैर एम्प्यूटेट भी करना पड़े। तो अब ये केज में रहती है और इसके अंदर इतनी पपी एनर्जी है कि ये बहुत रोती रहती है। खैर, हम अंदर एनिमल एरिया में चलते हैं। बेटी जी को तो आप जानते ही हैं, जो अगर आप पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं, बेटी जी हमारी रेस्क्यूड गोट है, परमानेंट यहाँ रहती है। आप देखेंगे कि मोनिका और जेसिका आज यहाँ नहीं है, वो कल ही रिलीज हुए हैं, उनकी चोट पूरी तरह ठीक हो गई है। अगर आप सुंदर से पहले नहीं मिले, सुंदर हमारा परमानेंटली अडॉप्टेड ब्लाइंड बुल है, ये गोल गोल चक्कर काटता रहता है। ये जो छोटा बच्चू है, इसके दो पैरों में चोट लगी हुई है और इसका दांत भी टूटा हुआ था, तो इसका भी हमने नाम नहीं रखा, तो आप प्लीज इसका नाम सजेस्ट करिएगा। ये जो पालमपुर से आया था, जिसमें वेरोनिका ने जिस रेस्क्यू में हमारी हेल्प करी थी, इसका भी हमने नाम नहीं रखा। ये फीमेल है, ये आई थी, सॉरी। और मैंने आपको शू का पहले भी बताया था, ये शू बहुत इम्पॉर्टेंट है और इससे जो है ये जो प्लास्टर है ये वेट नहीं होता। इसी तरह एक और शू इनको भी पहना रखा है, ये वो है जिसका हमें पक्का नहीं था कि फुट एंड माउथ डिजीज है या पैर में चोट है। इसको तीन भाई लाए थे तो इसका भी हमने नाम रखा नहीं हुआ, तो हमारे पास अब तीन नाम है जो आपको सजेस्ट करने हैं। टोफू को तो आप जानते हैं, हाय टोफू। ओके, नंदन डेफिनेटली पहले से बेटर है, इसका इन्फेक्शन पहले से बड़ा नहीं है और ओवरऑल जो है ये ज्यादा एक्टिव है, इस समय नहीं लग रहा पर है। और बीच में इसको डायरिया हो गया था ज्यादा घास खाने की वजह से, तो वो डायरिया भी इसका ठीक हो चुका है। बाबू बिंदास अभी भी यहीं पे हैं, वेट हो रही है कि ये नेहा जी इनको ले जाएंगी। और फर्राटा भी अभी रिकवर हो रहा है, इसको मैं जानता ही नहीं, सॉरी मैं ओ नहीं सॉरी मैं जानता हूँ, इसकी इंजरी नहीं दिख रही थी। इसका नाम नीलकंठ है, इसको वो किसी ने बहुत टाइट रस्सी बांध करके छोड़ दिया था और इससे इसके गले में चोट आ गई। आपको ये देखिए दिख रहा होगा, बाप रे। ओके, हनुमान जी भी अभी इनकी चोट पहले से बेटर है लेकिन पूरी तरह ठीक हुई नहीं। कई बार ये क्या करते हैं कि अब जैसे चोट हील हो रही होती है, अब पशु है इनको ध्यान तो देते नहीं, रगड़ लेते हैं कहीं और थोड़ा हीलिंग में टाइम लग जाता है। तुम हमारी बात मानते होते तो तुम अब तक रिलीज हो चुके होते। मैं आपको क्लिनिक में भी ले जाता हूँ। ओ बाय द वे, मिमी का हेयर कट हो चुका है, गर्मियाँ बहुत हैं। चल भाई मिमी, रस्ते में हो तुम। ये क्रिस्टोफर वॉकिन है, बिल्ली का, इसका जो नाम है, मेरे पास इसकी इंजरी की डिटेल्स नहीं है तो इसके बारे में जो अपडेट है वो एक सेपरेट वीडियो बना के पोस्ट करेंगे। यहाँ पे हमारे पुराने केनल्स हैं, जब तक ये दरवाजा खुलता है मैं आपको बताता हूँ हमारा क्लिनिक का सेटअप क्या है। ये हमारा मेन क्लिनिक है, इसके अंदर एक हमारा ये ओटी वाला रूम है जिसमें हाल ही में एसी लगाया ताकि सर्जरीज हो सके। ये हमारा सारा मेडिकल स्टोरेज है, तो एक छोटे से एरिया में ही हमने बना रखा है, हमने सोचा नहीं था कि इतना ज्यादा हमें स्केल अप करना पड़ेगा कभी। तो अगर आप लोग रेस्क्यू या शेल्टर सोच रहे हैं तो डेफिनेटली कीप दैट इन माइंड, स्केलिंग का प्रोविजन। ये लूना है, लूना यहाँ स्टरलाइजेशन के लिए आई थी पर लॉकडाउन में आई थी, अटक गई थी, अब अडॉप्ट हो चुकी है। ये जीनत है, जीनत भी अडॉप्ट हो चुकी है। ये सब वेट कर रहे हैं कि दौलत राम जी ने दिल्ली लेके जाएंगे। मैं इसका नाम भूल गया साहिब, जीनत। ये री जीनत, हेजल, हेजल। ये हेजल है, ये प्रतिभा के यहाँ से आई थी, प्रतिभा जो है धर्मशाला एनिमल रेस्क्यू की डायरेक्टर हैं। आओ, इसका नाम क्रिस्टोफर वॉकिंग इसलिए क्योंकि हॉलीवुड के एक एक्टर है ना क्रिस्टोफर वॉकिंग, वो भी ऐसे ही बोलते हैं। आओ आओ प्लीज बिल्ली, यहाँ पे ठीक है तेरी लाइफ। ओके, अब हम
ये साथ वाले एरिया में चलते हैं जहाँ सारे डॉग्स हैं। अडॉप्टेबल्स में मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा दंगा करते हैं, चढ़ते हैं ऊपर फिर कपड़े वगैरह ख़राब कर देते हैं बिल्कुल ही। ए सेड सब कुछ देखिए फ्रेशली पेंटेड है। दिलवर भैया ये काम करते रहते हैं। ये फार्म इतना बड़ा है कि एक साइड से लेकर दूसरे साइड तक जब तक मेंटेनेंस पूरी होती है फिर पहली साइड में मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे ये अमित है। अमित ने हाल ही में हमें चंबा से ज्वाइन किया है और अमित को हमारे बारे में हमारे वीडियोस देख के पता लगा था। ये राधा है और राधा यहाँ पे एज वॉलंटियर शुरू हुई थी पर इसके मन में हमेशा था कि मैं वॉलंटियर करूँ, ये जॉब लग जाए, लग गई। बिंद्रेश मेरा मेन मैन है, ये सभी कुछ कर देता है, कुछ भी उससे संकोच नहीं करता है करने से। ये डग का इलाज चल रहा है। डग का मैंने आपको बताया था, इसने अपना कोन तोड़ दिया था और इसने अपने स्टिचेस खोल दिए थे। आज कहाँ, कल तो आज फिर इन्हें उसने अपना कोन फिर तोड़ दिया है और अब इसका जो खैर ये इलाज है ये बिना स्टिचेस के ही अब हीलिंग होगी। काफ़ी बड़ा एक इम्प्रेसिव सा स्कार रहेगा इसके पास दिखाने के लिए। पिज्जा डेफिनेटली बेटर फील कर रहा है, अब ये देखता है तो कई बार मुझे पूछ भी हिलाता है। हे पिज्जा, हे हे। देखिए इतना बड़ा इसका ट्यूमर था वो कट गया है, इसकी हीलिंग ठीक चल रही है। दिखने में आपको लग रहा होगा ओ माय गॉड, बट ये डेफिनेटली पहले से बेटर है। पूछ हिला दे यार, कहते हैं ना सक्सेस अकर्स इन प्राइवेट, फेलियर इन फुल व्यू। यही हो रहा है। मैं आपको हमारी एक और जो लेटेस्ट रेस्क्यू है रिंकी उससे मिलवाता हूँ। किसी ने उसका रेस्क्यू कॉल नहीं किया, संजय भैया गए हुए थे तो उन्हें चंबी में दिखी और उन्होंने गाड़ी खोली और ये अंदर बैठ गई। इसको मैं बाहर तो नहीं ला सकता राधा अभी, रिंकी को, रिंकी बाहर तो नहीं आ सकती अभी। ओके तो रिंकी के पीछे एक बहुत बड़ा मैगेट वुंड है। अब यही है, ये रॉटवाइलर फीमेल है तो किसी ने, ब्रीडर ने इसको रखा होगा और अब जब उसने 3-4 बारी इसका लिटर ले लिया तो इसको फिर उसके बाद छोड़ दिया। ये जो है, सॉरी मुझे ये नहीं पता ये मेल है फीमेल है, जहां तक मुझे याद है ये मेल है। इसका इसके गले में आप देखेंगे एक निशान सा है ऊपर, वो जो है वो जो सुअर के लिए एक वायर ट्रैप लगाया जाता है क्लच वायर का, इसमें ये फंस गया था और अब ये काफी हद तक रिकवर्ड है और बहुत ही जल्द रिलीज हो जाएगा होपफुली। जो आपको मैं अगला अपडेट दूंगा ये यहाँ पे यहाँ नहीं होगा। ये लोमड़ी है, ये भी काफी हद तक ठीक है। राधा लोमड़ी अब स्टरलाइजेशन मैं कह रहा हूँ, वेट स्टरलाइजेशन की है ना प्रेटी मच। बस अब ये जैसे ही इसकी चोट ठीक होती है इसको स्टरलाइज करके हमें रिलीज कर देना है। ये जो अंदर अडॉप्टेबल एरिया में बैठे हैं भाई साहब, ये दिलवर भैया हैं। दिलवर भैया मैंने आपको बताया था पूरे फार्म की मेंटेनेंस में लगे रहते हैं। अब इस समय ये वाले कैनल्स पेंट हो रहे हैं। पीपल फार्म शुरू करने से पहले हम दिल्ली में जब काम करते थे ये हमारे कैनल्स, तब के हमारे पोर्टेबल कैनल्स हैं जो आज यहाँ पे इस्तेमाल हो रहे हैं। तब हमारा 4th फ्लोर पे हम स्टरलाइजेशन किया करते थे। खैर ये टेटर और टॉट है, आपने इनकी कहानी देखी होगी हमारे फेसबुक पे, काफ़ी एक्चुअली वो पॉपुलर हुई थी। आज अडॉप्टेबल्स शांत है, मैं आपको इनसे मिलवा सकता हूँ। ये टक्स है, टक्स भी, ये सब अडॉप्टेड हैं, ये सब अडॉप्टेड हैं, ये बस अपनी फ्लाइट की वेट कर रहे हैं। ये गट्टू है, गट्टू गग्गल से आया था, डॉक्टर समृद्धि ने इसके बारे में कॉल किया था। ये फीनिक्स है, ये अथीना है, इसके 3 ही पैर हैं पर इसकी पूरी स्पिरिट जो है बरकरार है और मुझे ये बहुत पसंद है। मेरे को इन सबसे बिल्कुल बहुत कम टाइम मिलता है और अफसोस की बात यह है क्योंकि अब लॉकडाउन है हमारे पास वॉलंटियर्स नहीं है तो इन लोगों को जो एनरिचमेंट चाहिए वो पूरी तरह नहीं मिल रही। बट इस काम में यही है, इट्स नॉट अबाउट कि भाई बेस्ट सॉल्यूशन, इट्स अबाउट जो भी आप प्रोवाइड कर सकें, कुछ ना होने से तो बेहतर है। खैर कल मैंने इंस्टाग्राम पे पूछा था तो सबने कहा था कि भाई एवरेज यही आ रहा था कि 15 मिनट के वीडियो होने चाहिए। खैर 10 मिनट हो गए मेरे को, अगले 5 मिनट में आपको बाकी सब कुछ दिखाना है। आप देखेंगे कि हमारे यहाँ फूल वगैरह हमने बहुत लगा रखे हैं क्योंकि हमारा बहुत स्ट्रेस है ब्यूटी पे। क्योंकि देखिए यहाँ पे इतनी सफरिंग है, ब्यूटी जो है इसको थोड़ा पैलेटेबल बना देती है और लोग यहाँ रुकेंगे,
तो उस सफरिंग को समझेंगे ना। बिकॉज हमारा मुद्दा सिर्फ वो नहीं है ना कि जो सफरिंग दिखाई दे जाए सिर्फ उसी को हम सॉल्व करें। हमें पता है बहुत सी सफरिंग जो है वो रुक सकती है अगर लोग जस्ट थोड़ा नोटिस करें, अवेयर हो जाएं। तो इसलिए हमारी कोशिश होती है कि एनवायरनमेंट ऐसा हो जहाँ पे लोग जो हैं इतना टाइम स्पेंड कर सकें कि वो समझें कि जानवरों को भी हमारी तरह दर्द होता है। ये हमारा वो एरिया है जहाँ पे इस समय काफ सोते हैं। नंदन इस समय यहाँ पे इसलिए नहीं है, नंदन दूसरे एरिया में है क्योंकि उसको ग्रीन जो हरी घास है वो नहीं चरनी। अलिफ की डेथ हो गई थी, मैंने आपको बताया था कि ये ब्रॉयलर जो चिकन है इनका कुछ पता नहीं होता, काफ़ी शॉर्ट लिव्ड होते हैं, तो इनकी एक्सपीरेशन डेट का कुछ कह नहीं सकते। ये मटको है जो बड़ा वाला है और ये लैला है जो छोटी वाली है, ये सीता है और ये गुरु है। तो आप लोगों को लगता है ना बड़ा प्यार करते हैं मुझे, ये देखिए खाना है अगर पास में और पेट भरा नहीं हुआ तो फिर ऐसा प्यार वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, मैं आपको थोड़ा फार्म दिखाता हूँ और फिर हम पीछे वाले एरिया में चलेंगे अगर दरवाज़ा खुला होगा तो। फार्म से पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि किचन में क्या हो रहा है और प्रोडक्ट्स वाला जो हमारी प्रोडक्ट्स वाली टीम है वो क्या कर रही है। संजय भैया पीछे वाला दरवाज़ा खुलवा दो प्लीज़, एक सेकेंड, सबसे पीछे वाला, नैनो बोली के पास जाना है। नमस्ते जी, ये डिंपल है, डिंपल हमारी सू शेफ हैं, ममता दीदी हमारी शेफ हैं और एक्सपर्ट लेग पुलर, शिवानी हमारी फार्म स्टे मैनेजर, प्रोडक्ट्स मैनेजर, अकाउंटिंग, जो भी कुछ और कोई नहीं कर रहा वो यही कर रही हैं। हाँ जी संजय भैया, संजय भैया मैन ऑफ द आवर, चोपड़ी कैमरे बोला आपने, ये सूजल है, सूजल प्राइमरीली हमारे कम्बुचा में हेल्प कर रहा है, हर तरह के प्रोडक्ट्स में हेल्प कर रहा है पर कम्बुचा में खासकर। अब अमेजोन के सारे नियम कानूनों से लड़ते हुए हम अपनी फिर भी जो सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस हैं, पुराना पेपर वगैरह यूज करना, वो सब मेंटेन करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये दिनेश है, दिनेश एनिमल एरिया में, दिनेश इज आर मेन गौ सेवक, चाहे गाय को खिलाना है, गोबर उठाना है, सब कुछ कर देता है। यहाँ पे ये डॉग के खाने की तैयारी चल रही है और ये हमारा खाना चल रहा है। पीछे दरवाजा खुला आपने कहा, विन्नी विन्नी जा रही है, विन्नी विन्नी अडॉप्ट हो चुकी है, विन्नी हाफ पपी हाफ पोचा है। चल विन्नी आ जा। ओके, अब हम पीछे चलते हैं, मैं आपको फार्म भी दिखाता रहूँगा, थोड़ा मुझे अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि मेरे पास अब 2-3 मिनट ही हैं। तो फार्म में इस समय हमारी जो सब्जियां उतर रही हैं सारी, इस समय बेल वाली सब्जियां ज़्यादा होती हैं, तो मैं आपको दिखाऊंगा। एक्चुअली मिर्चें भी बहुत हैं, ये बाय द वे करेले की बेल है, ये बेजल लगा है, ये सारी मिर्ची के पौधे हैं, ये सारी देखिए मिर्चियाँ लगी हैं। तो इस समय मिर्ची तो हमारी खैर बहुत ही उतर रही है। तो इसे हम तन कहते हैं, जो बांस का स्ट्रक्चर सा है, बेसिकली सारी बेलें हम इस पर चढ़ा देते हैं और फिर जो भी कुछ है, जैसे देखिए ये तोरी लटकी हुई है, तो इट्स काइंड ऑफ लाइक गोइंग टू द मॉल और यहाँ से हम उठा लेते हैं। आप देखेंगे हमने थैलियाँ लगा रखी हैं कई चीज़ों पर, ये थैलियाँ इसलिए कि मक्खियाँ इन पर ना बैठें, बिकॉज इसके ऊपर एक फ्लाई बैठ जाती है और वो इसके अंदर अंडे दे देती है और ये ख़राब हो जाता है। तो कन्वेंशनल फार्मिंग में तो क्या करते हैं कि वो जहर में डुबो के एक कपड़ा जो है इसके आसपास बांध देते हैं या जहर मल देते हैं, एंड देन ऑफ कोर्स वो तो हम नहीं चाहेंगे। वो देखिए ये एक तोरी सूख भी गई, तो ये हम बीज के लिए रख लेंगे। ये जो रिज गोर्ड है इसका जो लूफा है वो निकालना भाई बड़ा मुश्किल होता है, ये हमने लास्ट टाइम रियलाइज़ किया। तो इस समय सब्जियाँ यही लग रही हैं, फलियाँ लग रही हैं, बैंगन शुरू हो गए हैं, ये रहा छोटा सा बैंगन। मुझे खाना उगाना काफ़ी अच्छा लगता है। अब एक्चुअली ईमानदारी से बताऊं तो जब से मीडिया में इन्वॉल्व हुआ हूं तो मेरी फार्म में इन्वॉल्वमेंट बहुत कम हो गई है, बट आई थिंक जो हम कर रहे हैं वो आगे पहुंचाना, दैट इज़ नीड ऑफ द आर। फार्म मैनेजर तो कोई और भी हमारे साथ आके जुड़ जाएंगे। ये देखिए ये ड्रमस्टिक लगी है और ये सांभर में डलती है,
जब अगर ऑफ कोर्स इसको सुखा लें तो जो इसके बीज हैं उससे आप और मोरिंगा के पेड़ शुरू कर सकते हैं। ये जगह जगह पुदीना लगा है, जहाँ पे और कुछ नहीं लगता वहाँ पे हम हल्दी लगा लेते हैं। हल्दी 1 साल बाद या 3 साल बाद हार्वेस्ट हो जाती है। ओके दिनेश खोलना दरवाज़ा। ये जो सारा है यहाँ पे हमने घास लगा रखी है, हमें गाय के लिए बहुत बहुत घास चाहिए होती है तो हमने 3-4 जगह रोटेशन में घास लगा रखी है। ये देखेंगे आप, ये घास कटी हुई है तो ये हरी जो हरा चारा है ये भूसे में मिला के हम गाय को देते हैं। जहाँ हो सकता है हम केले के पेड़ लगा देते हैं। आजकल बारिशें हैं, मुझे जल्दी ही अपने प्लांटेशन मोड में आना होगा और हम शहतूत भी लगाएंगे और केले के पेड़ भी, जो दोनों ही चीज़ें बड़ी आसानी से लग जाती हैं। ग्रीन हाउस में हमारे टमाटर ख़त्म हैं और लार्जली ग्रीन हाउस इस समय इग्नोर्ड है। ये रविंदर है, रविंदर अगेन मिसलेनियस पर्सन है। रविंदर ड्राइव भी कर लेते हैं, खेत का काम भी कर लेते हैं और थोड़ी बहुत पैरावेट वाली वो भी ले रहे हैं। अब ये देखिए, ये खाद जो है केचुआ खाद, अब हमने कोई इसके लिए स्पेशल कुछ भी नहीं किया। हम क्या करते हैं कि जो गोबर होता है गाय का वो हमने जस्ट पॉली हाउस, जो हमारा ग्रीन हाउस है, उसके साथ साथ रख दिया, ठीक है। तो और जब ये सड़ता है तो अंदर पॉली हाउस को गर्म करता रहता है। अब आप देखिए ये अपने आप ही खाद बन गया है इन प्लेस। तो ऐसा हम कुछ भी नहीं कर रहे भाई जिससे केचुओं को नुकसान हो। यहाँ से वहाँ करो, छानो, जो चीज़ नेचुरली हो जाए वो अच्छी। आपको केंचुए दिख रहे होंगे थोड़े बहुत, हाँ ये रहा एक केंचुआ। और ये सारे ऑफकोर्स ये जो पाउडर सा बन गया है ये इनकी पूप है और दिस इज़ लाइक कॉल्ड ब्लैक गोल्ड। ओके यार ये तो रेस अगेंस्ट टाइम वाला मामला हो गया है। बाय द वे यहाँ पे पहले बार्ब्ड वायर थी, यहाँ पे हमने हमारे को काफ़ी आप लोगों को सपोर्ट मिली तो हमने इसको चेन लिंक से वो कर दिया रिप्लेस। बिकॉज क्या है, कई बार ये लोग नैनो वूली वगैरह लालच में इधर मुंह मारते थे और फिर इनका इनको खरोचे आ जाती थी। तो अब एक तो हम प्लांटेशन बेटर कर पाएंगे, दूसरा इन्हें चोट नहीं लगेगी। ये नैनो वूली वगैरह का घर ये है, मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी खाली है, ये लोग तो क्योंकि बाहर उस एरिया में घूम रहे हैं। अभी इसकी मिट्टी हमने पूरी की नहीं है, आधी की है। तो है ये रेड ब्रिक का, पर इसके ऊपर जो प्लस्तर हो रहा है वो मिट्टी का हो रहा है। ये बाय द वे जो इधर आ गए हैं साहब पानी पीने, ये बूली बूली हैं। ये जो आ रहा है ये सुंदर है, इसको हमने फ्लाई मास्क पहना रखा है। ऐसा नहीं है कि इसके दिखने में कोई कमी है, सॉरी ये किंग है। किंग मेरा फेवरेट है और ये फ्लाई मास्क है ताकि इसकी आंखों के आसपास मक्खियां ना बैठे, इसे काटे ना। जाओ इसके देखिए, किसी ने उबलता पानी डाल दिया था तो इसको 18 महीने लग गए यहाँ ठीक होने में। उसके बाद हमने छोड़ा नहीं, इसकी दूसरी वो हो जाती ना, मतलब कि दूसरी बार किसी ने इसको अबैंडन कर दिया। ही इज़ अ जेंटल जायंट। ओके इन्हें बड़ा मज़ा आता है भाई, इनको यहाँ पे खुजली कोई कर दे। चलो अभी मेरे पास बहुत ही लिमिटेड समय है। ये नैनो है, नैनो का जन्म ऐसे हुआ भाई, हम तो जब हमने रेस्क्यू वगैरह करना शुरू किया हमें कुछ अंदाज़ा तो था नहीं। हम लोग तो शुरू बस ले आए, जानवरों का इलाज करना शुरू कर दिया। अब हमने ये ध्यान नहीं दिया भाई जो भी गाय आएगी किसी ना किसी स्टेज पे प्रेग्नेंट होगी। तो एक दिन सुबह उठे तो ये महाराज पैदा हुए हुए थे। तो फिर इसकी जो माँ है उसने अपना पूरा हीलिंग यहाँ पे करी, उसके बाद 6-7 महीने इसको दूध पिलाया, फिर उसको हमने रिलीज़ कर दिया। बच्चे को रिलीज़ नहीं किया क्योंकि भाई इसको तो यही लगता है ना कि लोग अच्छे होते हैं, लोग खाना देते हैं, लोग पानी देते हैं, कोई गाड़ियाँ नहीं होती तो इसके लिए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। ये देखिए ये मुझे रेजर ब्लेड पड़ा हुआ मिला है। हमने बाहर यहाँ पे एक वो लगा रखा है साइन कि देखिए अंदर गाय है, प्लास्टिक ना फेंके, कूड़ा ना फेंके। पर फिर भी अधिकांश लोग मानते हैं, कई लोग नहीं मानते। यहाँ भी शायद हमें चेन लिंक लगानी पड़ेगी। ये बेबी है, हम पालमपुर अस्पताल अक्सर जाते हैं बड़े केसेस के लिए, तो एक बारी रास्ते में दिखी। उस दिन इसकी माँ को कोई ट्रक वाला मार गया था और उसकी डेथ हो गई थी और ये उसके साथ खड़ी थी और बारिश हो रही थी, तो ऐसे एकदम फिल्मी सा सीन था। तो देर इज़ नो वे कि हम इसको वहाँ छोड़ देते, तो इसको हम ले आए। पर ये सारे जो है ना, ये सारे टीनेजर टाइप हैं, बड़े इंडिपेंडेंट हैं। ये गुरु या सीता या टोफू की तरह प्यारे नहीं है। नैना तो इनफैक्ट लोगों को डराता है। ओह और ये उस साइड चार्ली है, चार्ली तो आपको पता ही है हमारा खच्चर। मैं आपको देखिए चार्ली का आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, आपको चार्ली के पैर पे ये निशान दिख रहे हैं जो पीछे वाले पैरों पे इसकी लाइनें हैं। ये इसलिए होती हैं क्योंकि लोग ना खच्चरों को बांध के रखते हैं, इसको हॉबलिंग कहते हैं, ताकि ये लोग भाग ना जाएं और इससे इनको बहुत बहुत गहरी
चोट आ जाती है, आपको देख ही रहे हैं उसके पैर पे कितने निशान पड़े हुए हैं। और फिर जब एक बारी इस्तेमाल ख़त्म तो जानवर कंडम और सड़क पे। ये संजू है, संजू को आप एक सेकेंड यहाँ से दिखाता हूँ। ये संजू है, संजू और चार्ली का ऐसा है कि चार्ली को संजू बहुत पसंद है, अगर संजू आसपास ना हो तो चार्ली जो है रोने लग जाता है, पर संजू जो है संजू डजन केयर, संजू अपने में मस्त है, इसकी किसी से खास ऐसे बनती नहीं है, बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट है। तो खैर ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और 20 मिनट का हो गया, पर पूरे फार्म का टूर देना, अभी भी मैंने एक आध दो एरियाज छोड़ दिए हैं। थैंक्स फॉर योर पेशेंस एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग अगेन, बाय।